हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मैं राजकुमार सवाल का आप सभी स्टूडेंट का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं, जिसमें मैं आप लोगों के लिए डेली क्लासेस लगा रहा हूं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के लिए। आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में नहीं है, पर्टिकुलर अगर मैं बात करूँ तो सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में ये दे रखा है। तो नॉर्मली जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते हैं ना, तो इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। ठीक भी है कि सिलेबस में नहीं है तो क्यों पढ़े, लेकिन देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज में तो आती है ना कहीं तो पढ़ ही लेना चाहिए ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मजा आने वाला है इस टॉपिक को आपको पढ़ने में, क्योंकि यहां पर मैं फिर से अगेन एंड अगेन ट्रिक्स यूज में लेने वाला हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको एक बार फॉर्मूले को देख लें, या फॉर्मूले भी मैं याद करूँ, कुछ फॉर्मूले मैं पढ़ लेता हूँ, कुछ चीजें समझने की है। देखो आप लोग सुने इसको, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें नहीं सीखने को मिले। फॉर्मूले याद तो करना ही है, लेकिन कुछ फॉर्मूले के जो क्लू है ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो डिग्री और रेडियन में रिलेशन जो है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। ये टेबल आपके सामने बनी हुई है, इनके रिजल्ट भी आप देख लें कि साइन का रिजल्ट -1 to +1 होता है, कोस का रिजल्ट -1 to +1 होता है, और बाकी के रिजल्ट -∞ to +∞ होता है। क्लियर? चिन्ह नियम और पड़ोसी नियम। देखो नॉर्मली ये टेबल करी कि 0 to 90 degree के रिजल्ट ये हो गए, लेकिन अगर मान लो 90 से बड़े निकालने हो तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे चिन्ह नियम और पड़ोसी नियम। तो चिन्ह नियम और पड़ोसी नियम दोनों मिलकर किसी भी बड़े कोण को छोटे कोण में तोड़ने के लिए अपने हेल्पफुल होंगे। तो 0 π/2 π 3π/2 और 2π ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, साइन का उल्टा भी पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव और कोस पॉजिटिव, ओ एस टी सी ऑल साइन टेन कोस। क्लियर? यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कोट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे। क्लियर? अच्छा स्टूडेंट, जब भी आपको प्लस करना हो ना, इसका मतलब ऐसे चलना होता है, प्लस के लिए ये वाली साइकिल है, और अगर माइनस में हो, माइनस में चलना चाहते हो तो ऐसे क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। क्लियर? ये तो चिन्ह नियम की बात हुई, अब एक है पड़ोसी नियम। तो पड़ोसी नियम को इस तरीके से समझो, देखो ये लाल बटे हुए कक्का लिखा हुआ है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट आपको दिखाई दे रहा है, सोचो कौन किसका पड़ोसी है। तो इस तरीके से समझो इस बात को, देखो ये इन सबके घर बने हुए हैं, इन सबके बने हुए हैं, ये घर बने हुए हैं। अब ये घर बने हुए हैं तो ऑब्वियसली इनके कोई ना कोई तो पड़ोसी होंगे ना, तो इनके पड़ोसी कौन किसका पड़ोसी है इस बात को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो ये इधर तो रास्ता है ही नहीं, इधर तो रास्ता है ही नहीं, ये पूरी कॉलोनी पैक है। क्लियर? तो बताओ साइन का पड़ोसी कौन हुआ? कोस। कोस का पड़ोसी कौन हुआ? सर जब घर ही बने हुए हैं तो कोस के दो दो पड़ोसी हो गए। अरे भाई घर थोड़ी बने हुए हैं, तो याद करने की ट्रिक है। साइन का पड़ोसी कौन है? कोस। तो कोस की वापस साइन से ही बनती है, टेन से इसकी नहीं बनती है। क्लियर? कोसेक का पड़ोसी कौन? सेक। और सेक का पड़ोसी दोबारा कोसेक। क्लियर? अब बाकी के बचे हुए तो इनके किसी से नहीं बन रही, तो ठीक है अपन ही पड़ोसी बन जाते हैं। तो फिर इस तरीके से ये आपस में पड़ोसी बने रहते हैं। क्लियर? तो ये पड़ोसी नियम है और ये चिन्ह नियम है, दोनों मिलाकर हमें किसी भी बड़े कोण को छोटे कोण में लाने में मदद करेंगे। देखो क्या लाइन लिखी मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, 0 degree π या फिर एक्स एक्सिस पर अगर कोण होता ना तो पड़ोसी नियम नहीं लगता है। ठीक है, π/2 3π/2 या वाई एक्सिस पर जब कोण होता है तो पड़ोसी नियम लगता है। ये कैसे अप्लाई करते हैं दोनों लाइनें, तो कुछ सैंपल लिखे हैं। देखो ये साइन 0 + x लिखा हुआ। अच्छा एक बात बताओ, साइन 0 + x जीरो पर पड़ोसी नियम लगता है क्या? जीरो पर पड़ोसी नियम नहीं लगता है। तो जब पड़ोसी नियम नहीं लगता है ना, तो साइन ऐसे कैसे आ जाएगा? साइन एक्स। क्लियर? अब सबसे पहले पड़ोसी के बारे में सोचना, उसके बाद में चिन्ह के बारे में। जीरो प्लस, जीरो यहां पर है और प्लस कर रहे हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, तो यहां पर क्या आएगा? प्लस आ जाएगा। क्लियर? अब मैं बात करता हूं साइन π/2 - x की। तो साइन π/2 - x की मैं बात करूं तो π/2 पर पड़ोसी नियम लगेगा क्या? तो π/2 पर पड़ोसी नियम लगता है। तो लगता है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? अपने पड़ोसी में। और कौन है इसका पड़ोसी? कोस एक्स है। इसका पड़ोसी कौन हो जाएगा? अपने कोस एक्स हो जाएगा। बताओ प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो आप ये देखो π/2 - कर रहे हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही मैं बात करता हूं साइन π + x की, पाई पर चेंज होगा क्या? नहीं होगा, तो साइन एक्स ही आ जाएगा। अच्छा देखो पाई प्लस, पाई यहां पर और पाई में प्लस कर रहे हो तो
थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो टेन और कोट ही पॉजिटिव होते, बाकी तो नेगेटिव होते ना, ये नेगेटिव हो गए। क्लियर? इस तरीके से यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और ये हो जाएगा आपके। अच्छा देखो इसको देखो आप, इसमें गड़बड़ कर दे दो, पाई बाई टू पर चेंज होगा था क्या? डेफिनेटली होता है, पाई बाई टू पर पड़ोसी नियम लगता है, तो लगाओ फिर। ये क्या आ जाएगा? कोस एक्स। क्लियर? प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो देखो आप रिजल्ट को नहीं देखोगे, आप ये देखोगे कि चेंज किसको करवा रहे हो। साइन जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन जब सेकंड क्वाड्रेंट में जाता ना तो पॉजिटिव होता है। बहुत सारे इसमें गलती क्या कर देते हैं, उनको कोस पर पूरा फोकस रहता है कि अच्छा यहाँ कोस तो नेगेटिव होगा भाई, माइनस लगा लेते हैं। क्लियर? ऐसा नहीं होगा। और ये फिर से क्या आ जाएगा आपके? साइन एक्स आ जाएगा प्लस का। तो ये एक पड़ोसी नियम का मैंने इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया है। सर्व समीकरण वैसे तो आपको याद है, अगर कन्फ्यूजन रहता है तो पहली वाली को याद कर लो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। अगर आप इसमें साइन स्क्वायर का भाग देते हो तो वन प्लस कोट स्क्वायर बराबर कोस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसी में अगर आप कोस स्क्वायर का भाग देते हो तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन बराबर आ जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स। तो ये आपको याद करनी है। अब ये फॉर्मूले जो है स्टूडेंट, आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से, दिमाग पर ठंडा पानी डालकर उसके बाद इसको याद करना। बिल्कुल सी डी सूत्र, ए बी सूत्र जिनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है, आप लोग बिल्कुल इनको लिखते हुए याद करेंगे, लिखेंगे तीन चार बार। याद है तो बहुत ही बढ़िया बात, नहीं है तो ऐसा प्रयास करेंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, मुख्य हल और व्यापक हल क्या होते हैं? प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन दो क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है और दो में नेगेटिव होता है। जैसे ये साइन की मैं बात करूं तो साइन यहां पर पॉजिटिव है और यहां पर पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो भी दो में रिजल्ट आएंगे। यानी प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन के दो मुख्य हल होते हैं हमेशा ही, चाहे उसका रिजल्ट पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दो मुख्य हल होते हैं। क्लियर? जीरो से लेकर 360 डिग्री के बीच में जो उसके संभव मान होते हैं, जो भी उसके मान होते हैं वो उसके मुख्य हल कहलाते हैं। क्लियर? प्रत्येक त्रिकोणमितीय फलन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और दो में नेगेटिव होता है, और यही इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, दो ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। किसी भी क्वाड्रेंट में जाने के लिए आपको एक्स एक्सिस के कोण ही लेने चाहिए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर पड़ोसी नियम का कोई खतरा नहीं होता है, तो ये आरामदायक स्थिति महसूस होती है। देखेंगे कैसे लगाते हैं, सब कुछ मैं सिखाऊंगा, बहुत सारी ट्रिक्स मैं आपको सिखाने वाला हूं, खूब मजा आने वाला आपको। क्लियर? जनरल सॉल्यूशन तीन के लिए, नीचे वाले तीन को अगर मान लो चेंज करना तो ऊपर वाले में चेंज कर लेंगे। अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई है तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन इंटू वाई। कोस एक्स इक्वल्स टू कोस वाई है तो एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस वाई एंड दिस इक्वल्स टू ये। कोस एक्स के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि कोस एक्स बराबर जीरो हो तो जनरल सॉल्यूशन एक्स इक्वल्स टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू होता है। क्लियर? बाकी साइन और टेन के लिए अलग से कोई जरूरत नहीं। महत्वपूर्ण सूत्र, वन प्लस कोस टू एक्स बराबर टू कोस स्क्वायर एक्स और वन माइनस कोस टू एक्स बराबर में टू साइन स्क्वायर एक्स। जब भी मैं आप लोगों को ये कहूं कि देखो वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं, तो आपके दिमाग में ये दोनों फॉर्मूले क्लिक होने चाहिए। मैं इनको फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ही कहता हूं। आगे बात समझ में? अब यहां पर देखो, स्टार्ट करता हूं मैं एग्जांपल से, और इसके जो सोल्ड एग्जांपल है इनको हम पहले ले रहे हैं। देखो कुछ जुगाड़ किए जाएंगे, कुछ सीधे सीधे तरीके होंगे। शुरुआत में मैं सीधे सीधे तरीके से ही चलूंगा, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पूरा सिखाने का प्रयास करूंगा, फिर जुगाड़ करूंगा। क्लियर? तो वो जुगाड़ क्या है आप लोग देखते रहना। देखो कोसेक एक्स प्लस कोट ए बराबर दे रखा है 11 अपॉन 2 देन 10 ए, ये निकालना है। देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप साइन कोस में बदल लो और उसके बाद में दोनों तरफ ये आ जाएगा 1 प्लस कोस ए और बराबर में 11 साइन ए, फिर आप इसमें वर्ग करके आगे बढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। इसमें एक और फायदा उठा सकते हैं, अगर ये सिंगल त्रिकोणमितीय फलन होता ना तब तो दिक्कत ही नहीं, एक त्रिभुज बनाते और टेन कोट से सभी निकाल लो। तो फिर यहाँ पर क्या करना चाहिए, तो एक इक्वेशन तो आपके सामने ये है, और इस इक्वेशन का हम क्या करवा देते हैं, परिमेयकरण। इस समीकरण का मैं क्या करवा रहा हूँ, परिमेयकरण। क्यों? क्योंकि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1। तो मैं यहाँ पर जैसे एक्स प्लस वाई बराबर दे रखा और एक्स माइनस वाई भी निकाल लेते हैं तो फिर एक्स वाई निकालने में सुविधा रहेगी ना। तो बस मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे पास दो दो त्रिकोणमितीय फलन के बजाय एक किसी भी त्रिकोणमितीय फलन का रिजल्ट आ जाए, फिर तो मैं इसको त्रिभुज बनाकर कर लूंगा। तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। देखिए तो स्टूडेंट, इस काम को करने के लिए हम यहाँ पर ये जो कोसेक एक्स, कोसेक ए माइनस प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस में कोट ए ये दे रखा है, इसको आप परिमेयकरण करवा लो। कोसेक ए
माइनस में कोट ए अपॉन में कोसेक ए माइनस में कोट ए, और ये क्या आ जाएगा आपके 11 बटे बाद 2। अच्छा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है तो ऊपर तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा कोसेक ए माइनस में कोट ए इक्वल में क्या आ गया 11/2 आ गया। एक बात बताओ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसकी जगह मैंने 1 पुट कर दिया तो फिर एक बात बताओ ना कोसेक ए माइनस कोट ए इस रिजल्ट को मैं 2/11 लिख सकता हूं ना, ये क्या हो जाएगा आपके 2/11, ये समीकरण हो गए आपके 2, फिर ए कौन है तो ये ली। अब यहां पर समस्या ही खत्म हो गई, पूरी समस्या ही खत्म हो गई। आपको अब केवल और केवल क्या करना है, यहां पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है या फिर घटाना है, एक त्रिकोणमितीय फलन आ जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी। तो मैं कर लेता हूं 1+2, अगर आप 1+2 करते हो ना तो यह आ जाएगा 2 कोसेक ए और बराबर में 11/2 और 2/11, तो कितना आ जाएगा 125/22 आ जाएगा। तो कोसेक ए इसका रिजल्ट आपके क्या आ गया, सॉरी कोसेक ए इसका रिजल्ट आ गया आपके 125 और बटे हुए में 44। तो फिर आपको क्या करना है, यहां पर एक त्रिभुज बनाना है। कोसेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो ना ये लाल बटे हुए का आपको पूरा गाइड करेगा ना, कर्ण बटे हुआ लंब, तो ये तो क्या है कर्ण और ये क्या है लंब। अब यहां पर आपको निकालना है आधार, तो 125 का स्क्वायर माइनस 44 का स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मेट लगा दो ना, तो 125 प्लस 44 और 125 माइनस में 44 जोड़ेंगे तो 169 और ये क्या हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा 125 में से जाएगा तो 81 आ जाएगा। क्लियर, तो दोनों आ गए, ये अपने 13 और 9 बन जाएगा, तो 9 तो ये आ जाएगा 117, तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके 117। फिर आपको क्या निकालना था टेन ए, तो क्या जाएगा लंब बटे वा आधार, ये इसका रिजल्ट आ गया। क्लियर, अब यहां पर मैं आगे बढ़ता हूं। देखो सेकंड जो एग्जांपल है इसको हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से और सिंपल वे में करने का प्रयास करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन को करने की अप्रोच आप लोग बिल्कुल इसी प्रकार की सेट करेंगे अधिकतर क्वेश्चन में, तो आप लोगों को लगेगा कि ट्रिग्नोमेट्री आसान है, अदरवाइज आपको लगेगा ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन तो और भी ज्यादा भारी पड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो आपको क्या कह रखा है, अल्फा प्लस बीटा पाई बाई टू दे रखा है, बीटा प्लस गामा अल्फा के बराबर है, तो टेन अल्फा का रिजल्ट निकालो। टेन अल्फा का रिजल्ट किस में निकालना है, बीटा प्लस बीटा और गामा ऑप्शन में दे रखे हैं, इसमें दोनों तरफ टेन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बावजूद भी ये क्वेश्चन जो है अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएगा सिंपल तरीके से, तो क्लियर। एक मेथड तो आपके दे रखा है, मैं दूसरा मेथड लेने वाला हूं। क्या मेथड है, देखो अल्फा प्लस बीटा क्या दे रखा है, पाई बाई टू दे रखा ना। मैं यहां पर आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप कंडीशन को फॉलो करते हुए अल्फा बीटा और गामा तीनों लेट कर लीजिए। तो अल्फा तो मैं मान लेता हूं 30 डिग्री, अल्फा तो मैंने क्या मान लिया 30 डिग्री, और बीटा को मैंने मान लिया 60 डिग्री। तो देखो ना अल्फा प्लस बीटा दोनों 90 डिग्री हुए कि नहीं हुए, क्लियर। अब गामा को आपको इस प्रकार मानना है कि इस स्टेटमेंट को भी फॉलो करें, तो बीटा तो कितना है 60, गामा और अल्फा कितना है 30, तो बताओ गामा कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली माइनस का 30 हो जाएगा। क्लियर, अब आपको कुछ नहीं करना है, टेन अल्फा का मान पूछ रहा ना, सो अकॉर्डिंग टू अवर अज्यूम्शन टेन अल्फा कितना हो जाएगा 10/30, इट मीन्स 1/√3 हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन चेक करने कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पहले ऑप्शन को जब चेक करोगे तो 2 tan beta, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, और tan -30 तो -tan 30 के बराबर हो जाएगा, तो 1/√3 आएगा। जब इसको आप सरल करोगे तो 2 और 2 अपॉन में √3 आ जाएगा, तो 4/√3 आ गया, तो 4/√3 तो नहीं है, 1/√3 आना था, तो बी हो सकता है क्या, तो बी में केवल यही तो आएगा 2/√3, ये भी नहीं हो सकता, तो फिर इसके पास चलो। तो यहां पर मैं अब ले लेता हूं ऑप्शन सी में बीटा बराबर 60 और गामा बराबर -30 से क्या रिजल्ट आता है, तो टेन 60 और प्लस में 2 tan -30, ये क्या आ जाएगा टेन 60 किसके बराबर होगा √3, और ये आ जाएगा माइनस का 2/√3।
तो जब आप इसको रूट थ्री को एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो 3-2 यानी 1/√3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ये वाला। तो ये वाली अप्रोच अच्छी है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। अब यहाँ पर देखो, आगे बढ़ता हूँ मैं, इनमें से मुझे ये चार त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं और इसका रिजल्ट निकालना है। और त्रिकोणमितीय फलन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑब्वियसली आप इनको देखकर समझ ही सकते हैं कि ये रिजल्ट निकालने वाले तो नहीं है। 11 डिग्री 47 डिग्री 25 61, ये रिजल्ट निकालने वाले तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर क्या किया जाए, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि आप कॉम्बिनेशन जो है ना वो सही चूज करो, कि कॉम्बिनेशन से अपना काम आसान हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे, देखो इसमें हमें कॉम्बिनेशन जो है वो सही सेट करने होंगे। अगर हमने कॉम्बिनेशन सही सेट कर लिए तो फिर यहाँ पर रिजल्ट पॉसिबल है। और आप लोगों को इसकी वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, निकलेगी भी नहीं, कोशिश भी कर लोगे। एक काम करते हैं, साइन 47 और साइन इसको साथ में ले लिया, और साइन 61 और माइनस में साइन 25 इनको साथ में ले लिया। क्यों इनको साथ में क्यों लिया, इसका भी रीज़न आप अभी देखना। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो 2 cos C + D/2 और साइन सी माइनस डी बाई टू, तो 2 cos this + this कितना हो जाएगा, 58/2, तो 29 हो जाएगा। देखो ना, साइन सी प्लस डी बाई टू, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अपॉन में क्या जाएगा, 29। और साइन दिस माइनस दिस तो कितना आ जाएगा, 36 में भाग दोगे तो 18 आ जाएगा। ऐसे ही देखो, अगेन साइन सी प्लस डी बाई टू कोस दिस प्लस दिस अपॉन टू, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 86। और 86 में अगर मैं भाग देता हूँ किसका, 2 का, तो यह आ जाएगा आपके 43। कितना आ जाएगा, ये 43 आ जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़कर और घटाएंगे तो इसमें से घटाते हो कितना आएगा भाई, 61 में से जाएगा 25, कितना आता है, 41 36 18 जाएगा। क्लियर, तो बेनिफिट क्या रहा, दोनों में एक तो कॉमन आ ही रहा ना, तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बनाए इसलिए कॉमन आ रहा है। देखो 2 sin 18 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये आ जाएगा cos 29 और प्लस में cos 43। क्लियर, या फिर यूँ कह सकते हो कि cos 43 और cos 29। बड़े वाले को हमेशा आगे रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि बड़े आगे रहते हैं ना तो ज़िंदगी में समस्याएं नहीं आती है। आगे इसलिए रखना चाहिए क्योंकि वो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो ठीक रहता है, नेगेटिव का सामना नहीं करना पड़ता है, तो एक स्टेप अपनी कम हो जाती है। अगेन फॉर्मूला लगा लो, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या है, 2 cos C + D/2, तो 2 cos this + this upon 2, दिस प्लस दिस तो कितना हो गया, 40 72 36 आ जाएगा। और फिर कोस दिस माइनस दिस अपॉन टू, दिस माइनस दिस अपॉन टू करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बात है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 14, और 14 में भाग दोगे तो 7 आ जाएगा। आपको ये देखकर ही डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपका आंसर जो है क्या आने वाला है। देखो कोस 36 और कोस 7 इसमें आ रहे हैं, साइन 18 नहीं आ रहा है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर सी और डी तक तो हम पहुँच ही गए, अब यहाँ पर इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे। तो 18 और 36 डिग्री ऐसे रिजल्ट हैं जिनके मान निकाले जा सकते हैं। कैसे, 2 × 2 तो क्या हो गया, 4। साइन 18 का मान होता है √5 - 1/4 और कोस 36 का मान होता है √5 + 1/4 और ये आ जाएगा cos 7। कैसे होते हैं मैं बता दूंगा यहाँ पर आगे आपको, वैसे आपको डायरेक्ट लर्न भी कर लेने चाहिए, ठीक है। इसे ये कट जाएगा और ये दोनों मिलाकर 5 - 1 बना देंगे, तो ये दोनों भी इससे कट जाएंगे, 5 - 1/4 और cos 7 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोग देखो कि रिजल्ट क्या आ गया आपके, cos 7 डिग्री आ गया, क्लियर। तो ये थर्ड एग्जांपल था स्टूडेंट, फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ एग्जांपल क्या है, इसका रिजल्ट हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, देखो आगे से जो पहला और पीछे जो लास्ट वाला जो है ना, दोनों के कोणों का योग 90 डिग्री है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर दोनों को एक जैसा बनाने का प्रयास करूंगा, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री एंड सो ऑन। 10 89 है ना, तो 10 89 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 1 लिख सकता हूँ। ऐसे ही 10 88 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 2 लिख सकता हूँ, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, देखो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 2 डिग्री सॉरी एंड सो ऑन, लास्ट में क्या आ जाएगा, cot 2 डिग्री और cot 1 डिग्री, और बीच में क्या रह जाएगा आपके, 10 45, क्योंकि 45 वाला बीचों बीच है,
45 वाला बीचों बीच नहीं होगा क्या? क्योंकि 44 और 46 मिलाकर 90 हो जाएंगे, तो 45 का कहाँ जाएगा? इसका कॉम्बिनेशन को यही नहीं, ऐसा करने से ये बेनिफिट हुआ कि ये कट जाएंगे, ये सारे ही कट जाएंगे और बीच में बेचारा अकेला रह जाएगा 10-45। तो सारा दारोमदार जो है ना उत्तर का इसी पर आ गया, एक आंसर दे देगा। क्लियर, आगे बढ़ता हूं। देखो ये रिजल्ट दे रखा है, साइन 2 थीटा प्लस साइन 2 फाई बराबर 1/2 कोस 2 थीटा कोस 2 फाई इक्वल में 3/2 दे रखा है, और इसका रिजल्ट निकालना है। इसको देखकर बताओ कि ये जो रिजल्ट है क्या इसमें तो ट्वाइस एंगल दे रखे हैं, इसमें तो हाफ हाफ एंगल ही दे रखे हैं ना, इसमें तो हाफ एंगल दे रखे हैं, ये काम कैसे किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार कर सकते हैं, सोचो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को किस प्रकार हैंडल किया जा सकता है? एक तरीका तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि दोनों का वर्ग करके जोड़ देते हैं, दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, वर्ग कर देता हूँ, एक तरीका तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, दोनों का अलग अलग सी डी सूत्र भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर एक बार वर्ग करके जोड़ने का प्रयास करता हूँ। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड है। तो 1 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा, साइन स्क्वायर 2 फाई, उसके साथ में ले लो कोस स्क्वायर 2 फाई, और फिर 2ab की दोनों टर्म आएगी ना, तो 2 sin 2 थीटा साइन 2 फाई प्लस कोस 2 थीटा कोस 2 फाई, और बराबर में क्या आ जाएगा, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ा है आपने तो 1/4 और 9/4 कितना जाएगा, 10/4 भाई, 1/4 और 9/4। क्लियर, अब यहां पर देखो ये रिजल्ट 1 हो जाएगा, ये रिजल्ट 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 + 2 और ये क्या बन जाएगा आपके, कोस 2 थीटा और माइनस का 2 फाई। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला ही तो है, ये कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ये तो लिखा हुआ कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे कर लिया हमने। क्लियर, बराबर में 10/4, तो 10/4 को भी मैं क्या लिख देता हूँ, अब 5/2 लिख देता हूँ। क्लियर, 1/4, 9/4, 10/4, ठीक है। अच्छा देखो ये 2 cos, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2 θ - φ, और बराबर में कितना आ जाएगा, 5/2 - 2, यानी 1/2 आ जाएगा, ये दोनों उधर जाएंगे ना। क्लियर, अब स्टूडेंट यहाँ पर आगे क्या करें, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, ये महत्वपूर्ण सूत्र लगाना है। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है कि cos 2θ होता है तो उसको हाफ एंगल में कैसे लिख सकते हैं, ये वाला सूत्र देख सकते हो, कोस 2θ को, कोस 2θ ये लिखा हुआ है, मुझे रिजल्ट किस में लाना है, कोस में लाना है, तो कोस 2θ के 4 सूत्र होते हैं, आपके लिए उपयोगी कौन सा है, कोस में ही लाना है, तो ये वाला। क्यों? क्योंकि अपने पास ट्वाइस एंगल है, मुझे चाहिए 1 coefficient वाला, तो मुझे तोड़ना होगा, तो डबल एंगल को सिंगल एंगल में चेंज करने के 4 फॉर्मूले हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको चूज कर सकते हैं। तो कोस 2x बराबर में लेने वाला हूँ 2 cos²x - 1, ये रिजल्ट आ जाएगा 2 तो ऑलरेडी है ही, और ये आ जाएगा 2 cos²θ - φ और माइनस का 1, और बराबर में 1/2 आ जाएगा, तो 2 इधर जाएगा ना, ये आ जाएगा 2 cos²θ - φ और माइनस का 1 बराबर में 1/4, ये माइनस 1 इधर आएगा तो आपके रिजल्ट आ जाएगा 2 cos²θ - φ बराबर कितना आ जाएगा, 5/4। क्लियर, फिर 2 को भी उधर भेज दोगे तो 5/8 आ जाएगा, तो 5/4 भी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जानबूझ के कि भाई गलती कर दो यहाँ पर भी पहुँच, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्लियर, आगे बढ़ता हूँ। 7वां जो सवाल है देखो, a + b + c बराबर दे रखा पाई और इसका रिजल्ट निकालना है। इसमें नॉर्मल जो तरीका है वो तो आप लोग वैसे इन स्टेटमेंट को याद भी रख लेना चाहिए, अच्छा याद रखने के तो मैं खिलाफ हूँ, याद की बात गलत हो गई है, याद तो होते ही नहीं है, थोड़ा सा चेंज हुआ फिर मामला गड़बड़ा जाता है। तो एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, सी डी सूत्र लगाएंगे, इसमें 2 sin c cos c लिख देंगे, कॉमन आएगा, आगे बढ़ेंगे, ये सब है, लेकिन मैं यहाँ पर यूज में लेने वाला हूँ भाई a + b + c क्या पाई है ना, तो ABC ऐसे मान लो जिसमें तीनों का योग 180 हो जाए, तो a = b = c मैं मान लेता हूँ 60 डिग्री, सबसे बढ़िया तो यही दिखता है, देखो ना तीनों का योग कितना हो गया 180। अब यहाँ पर आप निकाल लो साइन 120, साइन अगेन 120 और साइन 120, यही तो रिजल्ट निकालना है। तो साइन 120 का रिजल्ट कितना होगा, अंडर रूट 3/2,
साइन 30 के बराबर हो जाएगा, फिर से साइन 60 के बराबर, क्लियर, अंडर रूट 3 बटे दो, तो फिर आपके जो आंसर है वो 3 अंडर रूट 3 बाई 2 हो जाता है, यानी क्वेश्चन का आंसर इतना हो गया। अब आपको ऑप्शन में रखना है, तो पहले ऑप्शन का नंबर लेते हैं, ऑप्शन ए, ए ऑप्शन में आप ए बी सी की जगह रख दो 60 60 60, तो यह आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 3 बाई 2 अंडर रूट 3 बाई 2, तो इससे ये कट जाएगा और आपके आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 अपॉन में 2। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया? ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, क्लियर। तो देखो है ना त्रिकोणमिति मज़ेदार स्टूडेंट, यहाँ पर जब हम पूरा निचोड़ निकालते हैं तो सब कुछ मज़ेदार है देखो, अदरवाइज यहाँ पर बहुत प्रयास करना पड़ता है नौकरी लगने के लिए, आसान नहीं है काम, बिल्कुल भी आसान नहीं, राहें मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आपको मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, अगर आप मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता मिलेगी, क्योंकि केवल सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल यहाँ पर जो काम कर रहा हूँ इसको आप फील कर रहे होंगे कि वास्तव में एक कोचिंग सेंटर ही चल रहा है, एक कोचिंग ही चल रही है अपनी, जिसमें डेली क्लासेस होती है और बिल्कुल वेल एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, बिल्कुल वेल एक्सप्लेनेशन जो ऑब्जेक्टिव की अप्रोच के लिए ठीक रहता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए एकदम परफेक्ट रहता है, क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब लगभग हम 11th 12th का पार्ट शायद कवर करने जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, आप एक बार सिलेबस उठाकर देखना, मेरा सिलेबस वाला वीडियो आप 2-5 दिन में देखते रहा करो, कितना हो गया कितना हो गया, हर सप्ताह एक बार देख लिया करो और उस सिलेबस में टिक लगा दिया करो कि अब इतना हो गया, अब ये टॉपिक रह गए, सर ग्रेजुएशन वाला पार्ट कब शुरू कर रहे हैं, ये सारी बातों का आप ध्यान रखा करो, क्लियर। और ग्रेजुएशन वाले पार्ट में स्टूडेंट यहाँ पर मैं पढ़ूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग ये मैं सोचना कि सर पढ़ाएंगे नहीं, मैंने कुछ बेहतर करने के लिए ग्रेजुएशन वाली जो बुक्स है ना वो कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया तांडव बैच में, बहुत अच्छा कंटेंट है, आप इसमें सोच विचार कर सकते हैं, देखो ये कोई जोर जबरदस्ती का काम नहीं है, लेकिन वो बहुत एक यूनिक है, आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, चाहें तो ज़रूर ट्राई करें, बाकी मैं यहाँ पर पढ़ा ही रहा हूँ आपको, क्लियर, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ये है क्योंकि वो ग्रेजुएशन की किसी भी कोचिंग सेंटर में अगर जाते भी हो तो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन की बुक तो फिर से कौन पढ़ाएगा, और ये वो स्टूडेंट बिल्कुल महसूस करते होंगे जो वास्तव में ग्रेजुएशन वाले पार्ट को लेकर भी सीरियस है कि यार एक बार ये मैं पढ़ लेता हूँ, क्योंकि ग्रेजुएशन वाले पार्ट में से क्वेश्चन बहुत आसान से आते हैं, और बस वो आसान से आते हैं लेकिन लगते नहीं है कि आसान तो नहीं है, क्लियर। तो स्टूडेंट जैसे आपकी मानसिकता है वैसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज चल रहा है काम, चलता रहेगा काम, क्लियर, मेरे प्रयास में कोई कमी नहीं आएगी, मैं आपका विश्वास जीतने का दिन पर दिन प्रयास जारी रखूंगा, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, आगे बढ़ रहा हूँ। तो स्टूडेंट आगे बढ़ाते हैं क्लास को, क्वेश्चन नंबर 8 से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और y बराबर हमें दे रखा है y इक्वल्स टू दिस, और मुझे इसका रिजल्ट निकालना है, एक मेथड तो आपके दे रखा है लेकिन वो थोड़ा लंबा है, कैसे करें सोचो देखे क्या हो सकता है, कैसे किया जा सकता है इस सवाल को, इसमें मैं इसमें एक तरीका लगाऊंगा कि कोई एक वैल्यू हम पुट कर देते हैं, देखो मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा इक्वल में पाई बाई 4, अल्फा इक्वल में पाई बाई 4, पाई बाई 2 लेट करोगे ना तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, अल्फा इक्वल टू पाई बाई 2 लेट करने पर वाई का रिजल्ट आएगा 1, तो वाई का रिजल्ट 1 आएगा, तो ये भी 1 दे रहा है, ये भी 1 दे रहा है, ये 0 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, दो ऑप्शन में कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, तो इसलिए मैंने अल्फा की वैल्यू ऐसी अनोखी रखी जिससे कि रिजल्ट डिफरेंट आने की पूरी संभावना बनती है, अल्फा बराबर पाई बाई 4 अगर मैं पुट करता हूं तो ये वाई का जो रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा 2 1/√2 और 1+1/√2 और प्लस में 1/√2, ये आ जाएगा ऊपर तो आपके अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा आपके 1+2 अपॉन में अंडर रूट 2, तो क्योंकि 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा ना, तो y का जो रिजल्ट है आपके सामने कुछ इस प्रकार आ गया, अंडर रूट 2 और अपॉन में 1+√2 आ जाएगा, क्लियर, ये y का रिजल्ट आ गया। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना ना, तो इसमें रख दो, अतः 1-cos α + sin α अपॉन में 1+sin α, तो अल्फा का मान क्या है 45 डिग्री, तो अल्फा की जगह 45 हमने माना था ना, तो 1-1/√2 प्लस में 1/√2 और ये आ जाएगा 1+1/√2, इससे ये कट जाएगा, तो इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर तो 1 है और नीचे
अंडर रूट टू प्लस वन अपॉन में अंडर रूट टू, इट मीन्स ये रिजल्ट आ जाएगा आपके अंडर रूट टू प्लस में अंडर रूट टू प्लस वन। देखो ये रिजल्ट मैंने इसका निकाला, ये वाई के बराबर ही तो है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। 90 डिग्री पुट करके देखोगे तो पहला भी टकरा जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता बहुत आसानी से। देखो अब यहाँ पर फटाफट आ जाते हैं, 5, 10, 15 इनका रिजल्ट निकालना है, 5 डिग्री का नहीं आता ऑब्वियसली, लेकिन इसके सूटेबल कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 5, 85, 10, 80 इस टाइप के, क्लियर। तो देखो साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 85, ऐसे ही साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 80 एंड सो ऑन। ये सिस्टम कहाँ तक जाएगा, देखो इस सिस्टम की जो एंडिंग टर्म है वो साइन स्क्वायर 15, 20 सारे अगर लिखूंगा तो ठीक नहीं रहेगा, या तो शुरुआत के लिख दो आप लोगों को पता चल जाएगा, साइन स्क्वायर 40 और साइन स्क्वायर 50, क्लियर। एक तो ये है और साइन स्क्वायर 45 जो बीचों बीच बच गया और साइन स्क्वायर 90 जो लास्ट में बच गया, इस तरीके से मैनेज कर रहा हूँ, क्लियर। एक ग्रुप तो ये कर दिया और बाकी का एक ग्रुप। देखो साइन स्क्वायर ये कोस स्क्वायर 5 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर 85 को आप कोस स्क्वायर 5 नहीं लिख सकते होगा, लिख सकते हो, तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट आपके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही 10 और 80 ये भी क्या हो जाएगा, 1। अब ऐसे सोचते जाओ 10, 80, 15 और 75, तो 15 को अब 40 तक ले लो ना, शुरुआत वाले को देख लो कि 40 तक इस ग्रुप की शुरुआत वाली टर्म कहाँ तक जा रही है, 40 तक जा रही है, तो 40 तक एक एक लिखते जाओ, 5 का आ गया, 10 का आ गया, 15 का आ गया, 20, 25, 30, 35, 40 ये हो गया, और साइन स्क्वायर इसका हो जाएगा 1/2 और इसका हो जाएगा 1, बस हो गया काम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 प्लस 1/2, 19/2 सी ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर। इसमें आ जाता हूं मैं, 0 से 2π के बीच में इस समीकरण में कुल कितने हल है ये मुझे बताने। जैसे साइन एक्स बराबर 1/2 है तो साइन एक्स का मान 1/2 यानी पॉजिटिव है, तो 0 से 2π में उसके हलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ऐसे ही मुझे देखना कि ये समीकरण है तो इसका निकालना, इसको साइन कोस में बदल दो, साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स और 1 अपॉन में कोस एक्स और बराबर में 2 कोस एक्स आ जाएगा, क्लियर। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके साइन एक्स प्लस 1 और बराबर में 2 कोस स्क्वायर एक्स। देखो इस साइन एक्स प्लस 1, 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स सॉरी और 2 कोस स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। तो अगर हम इसको इधर लेके आते हैं, 1 प्लस साइन एक्स और बराबर में 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स और प्लस में साइन एक्स और माइनस का 1 = 0। इसको कोस स्क्वायर को साइन में क्यों बदला मैंने, क्योंकि दोनों अलग अलग अगर मान लो सहजातीय रहेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन में और सोचने में सुविधा रहेगी, और दोनों अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने कोस स्क्वायर को किस में बदल दिया, साइन स्क्वायर में। अब यहां से आप साइन एक्स का रिजल्ट निकाल लो, अगर आप साइन एक्स का रिजल्ट निकालते हो तो कुछ इस प्रकार आएगा, देखो माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आ जाएगा आपके 8 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपके 2a, इट मीन्स 2 × 2, क्लियर। 4ac होता ना, तो स्टूडेंट ये आंसर आपके आ जाएगा माइनस का 1 + -3 / 4 आ जाएगा। अगर मैं प्लस लेता हूं तो माइनस 1 आएगा, सॉरी अगर मैं लेता हूं माइनस 1, दो रिजल्ट आ रहे हैं, साइन एक्स का रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन एक्स का एक रिजल्ट अगर मैं माइनस 1 लेता हूं तो माइनस 1 आएगा, और साइन एक्स अगर मैं प्लस लेता हूं तो 1/2 आएगा, साइन एक्स बराबर क्या आएगा 1/2। अब आपको ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है, रिजल्ट थोड़ी निकालना है आपको, हलों की संख्या निकालनी है। साइन एक्स का मान पॉजिटिव 0 से लेकर 360 के बीच में 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नहीं होता क्या, इसके 2 हो जाएंगे, क्लियर। लेकिन साइन एक्स का मान नेगेटिव तो 2 बार होता तो है नेगेटिव, लेकिन ये वाली पोजीशन एक बार ही आती है, साइन एक्स का मान माइनस 1 कब होता है, तो साइन एक्स का मान माइनस 1 एक ही जगह होता है और वो 270 डिग्री पर होता है। ध्यान रहे अक्षों पर जो होती ना स्थिति उसमें विशेष ध्यान रखना, बीच वाले तो ठीक है लेकिन अक्षों पर स्थिति विचित्र है। तो इसका जो रिजल्ट आपके केवल आएगा 3π/2 और इसके 2 रिजल्ट आ जाएंगे, एक तो क्या आ जाएगा 1/2, तो कब होता है 1/2 कब होता है 30 डिग्री पर है ना, π/6 पर। और फिर अगला मैं एक तरीका बताता हूं आपको, आगे भी बताऊंगा, पहला रिजल्ट कहां पर हुआ π/3 पर, π/6 पर सॉरी 30 डिग्री पर आया नहीं 1/2, क्लियर। अब स्टूडेंट आपको अगला जो रिजल्ट है
वो कहाँ पर मिलेगा। तो केवल आप इतना देखो कि आपको अगला रिजल्ट भाई साइन एक्स का मान 1/2 पॉजिटिव कहाँ पर होता है, तो पॉजिटिव एक तो इसमें है, एक इसमें। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहो, ऐसे कर सकते हो कि इसकी मिरर क्या है, तो ये 30 डिग्री का है ना, तो इधर से 30 डिग्री उठी हुई लाइन जो है वो 150 डिग्री की नहीं होगी क्या, तो बस ये 30 डिग्री है और ये आ जाएगा 5π/6 आ जाएगा। तो हलों की संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई, 0 से लेकर 2π के बीच में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं कैसे करना है, थीटा का जनरल सॉल्यूशन निकालना है, और जो ऑप्शन दे रखे हैं उनको आप लोग जब नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो साइन के ही दे रखे हैं, सारे ही जनरल सॉल्यूशन वो साइन टाइप के ही दे रखे हैं, यानी हमें इसको कहीं ना कहीं साइन में मर्ज करना है। कैसे करेंगे, जब भी आप लोगों के पास ऐसी कंडीशन हो, ए कोस एक्स, ध्यान से देखना, ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर में कुछ भी हो, और अगर आप इसको मर्ज करना चाहते हो आपको कुछ नहीं करना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग देना है, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भाग दे देना है पूरी समीकरण में, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर मान लो अंडर रूट 3 नहीं होता ना, तब तो सीधी सूत्र लगा देते और काम हो जाता, लेकिन अंडर रूट 3 की वजह से मामला गड़बड़ है, तो फिर यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट मीन्स 2 का हम क्या देंगे, भाग देंगे, और इसका अगर भाग देना चाहते हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके √3/2 cos थीटा प्लस √1/2 sin थीटा और बराबर में 1/√2 आ जाएगा। क्लियर, अब स्टूडेंट यहां पर क्योंकि ऑप्शन आपको गाइड कर रहे हैं कि इसको साइन में ले जाना है, तो आप इसको इस तरीके से मानो ना, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, साइन x cos y cos x sin y, साइन x cos y, तो फिर इसको साइन में क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप π/3 cos थीटा प्लस साइन तो हो ही गया, अब इसको हम लिख सकते हैं cos π/3 sin थीटा और बराबर में क्या है 1/√2। तो ये आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो ये फॉर्मूला बन गया आपके sin थीटा प्लस π/3 का, और इसको भी आप साइन में लिख दो तो sin π/4 हो जाएगा। अब आपके जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है तो जनरल सॉल्यूशन एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू वाई होगा। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर साइन किधर गया, हाँ ये क्या हो जाएगा थीटा प्लस π/3 और बराबर में एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन इंटू π/4, तो थीटा का रिजल्ट निकालना है तो ये आ जाएगा आपके माइनस का π/3, और देख लेना कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है, ऑप्शन बड़े बड़े थे इसलिए मुझे जोर आया थोड़ा सा। क्लियर, तो क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट यहाँ पर 11th वाला। अब मैं यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक बहुत ही पेचीदा क्वेश्चन लिखा हुआ, बहुत ही पेचीदा सवाल लिखा हुआ, कैसे सोल्व करेंगे इसको, सोचो स्टूडेंट कैसे सोल्व करेंगे इसको, मैं इंक डाल लेता हूँ, दिमाग लगाओ। क्या हो सकता है, लेट कर लूं क्या, क्या करूं, लेट अगर करते हो तो इस प्रकार को, इस प्रकार से लेट करना कि कोई भी ऑप्शन जो है बिड़े नहीं। क्लियर, तो अगर आप अल्फा का मान 45 और बीटा का मान 45 मानते हो तो 2 टकराएंगे, 90 मानते हो तो भी 2 टकराएंगे, 0 मानते हो 2 टकराएंगे, तो अल्फा बीटा के क्या मान हमें मानने चाहिए, तो देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूं लेट अल्फा, तो मैं मान लेता हूं 30 और बीटा मैं मान लेता हूं 90, और 90 मानने में एक फायदा यह रहेगा कि 90 प्लस अल्फा इस टाइप का बनेगा तो काम आसान रहेगा, तो बीटा को तो मैंने क्या मान लिया 90, और बीटा को तो मैंने मान लिया 90 और अल्फा को मैंने क्या मान लिया यहां पर 30 मान लिया। क्लियर, अच्छा यहां पर अल्फा ये कि बीटा, देख लेता हूं मैं 14 वाला जो सवाल है, बिल्कुल सही है, अल्फा बराबर मैंने 30 माना और बीटा बराबर मैंने क्या मान लिया 90 मान लिया। अब स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 साइन स्क्वायर बीटा, ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर बीटा यानी 1 हो जाएगा, और 4 कोस 90 प्लस 30, साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, और साइन 90 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, कोस अल्फा प्लस बीटा तो कितना हो गया 120 इंटू 2 240 हो जाएगा। क्लियर, अब ये आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 4 प्लस में
टू प्लस फोर, कोस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 और ये आ जाएगा 1/2। अच्छा कोस को अगर आप सरल करोगे ना तो 180 प्लस में क्या आ जाएगा, ये 60 आ जाएगा। सो स्टूडेंट ये आ जाएगा अपने 2, इसको अगर इससे काट देता हूँ तो 2 और इसका आंसर माइनस का 1/2। और कोस 180 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कोस थीटा, देन माइनस का कोस 60 आ जाएगा। बस इसकी कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए, 2 माइनस 1 और माइनस में 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा। अब आप ऑप्शन में अल्फा और बीटा के दोनों मान रख दो और कौन सा जो है 1/2 दे सकता है तो देखता हूँ। देखें अल्फा का मान 30 रखोगे ना तो साइन 60 हो जाएगा और साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। बीटा का मान 90 रखोगे तो साइन 180 हो जाएगा, साइन 180 जीरो होता है, ये नहीं होगा। अल्फा का मान रखो यहाँ पर 30 तो कोस 60 हो जाएगा, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। बात बन गई क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर सी ऑप्शन में, सी में बीटा इक्वल्स टू 90 से, सॉरी अल्फा इक्वल्स टू 30 से कोस 60 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 16। देखो बहुत ही मजेदार है ट्रिग्नोमेट्री और किसी भी टॉपिक में आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं 100% आप लोगों का साथ निभा रहा हूं और निभाता रहूंगा। इसी तरीके से यहां पर क्वेश्चन होते रहेंगे धड़ाधड़, आपकी स्पीड भी बहुत अच्छी बना दूंगा मैं आप लोगों को और सोचने समझने की क्षमता भी मैं चेंज कर दूंगा। क्लियर? कुछ चीजें असामान्य होती है और उन असामान्य चीजों को आपको स्वीकार करना है। आगे बढ़ता हूं मैं, ये ए बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दे रखा, कोस की पावर 4 थीटा दे रखा है और ये कह रहा है कि थीटा के सभी वास्तविक मानों के लिए ए का रिजल्ट क्या प्राप्त किया जा सकता है। ये सवाल उच्चिष्ट निम्निष्ट का ही है, वास्तव में अगर देखो तो ये उच्चिष्ट निम्निष्ट का भी है, ये रेंज नहीं पूछ रहा आपको, परिसर नहीं पूछ रहा क्या। देखो इसका क्या जुगाड़ हो सकता है, एक काम करो ना, इस ये साइन स्क्वायर में ये कोस स्क्वायर में ठीक नहीं बैठेगा, दोनों को एक में लाने का प्रयास करते हैं। तो साइन स्क्वायर को कोस में चेंज करना आसान है ना, 1 कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कोस 4 थीटा, ऐसे करने के बाद आप लोग देखो ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा, अगर मैं कॉमन लेता हूँ 1 कोस स्क्वायर थीटा जाएगा और 1 कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स ये आ गया आपके साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक फॉर्मूला बन सकता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दो आप, तो देखो ना ऊपर तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए का रिजल्ट आ जाएगा 1 - 1/4 और साइन 2 थीटा इसका होल स्क्वायर। क्लियर? अब स्टूडेंट एक बात बताओ, ये रिजल्ट जो है ना इस प्रकार नहीं हो गया क्या, 1 - 1/4 और साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन थीटा का जो रिजल्ट है वो -1 से +1 के बीच में होता है, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट है वो 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर? तो आपको अधिकतम और न्यूनतम मान तो बताना है, ये रेंज कह रही है आपको, ऑप्शन मोटिवेट करने क्या करना है आपको, तो आपको बताओ कि साइन स्क्वायर का अधिकतम मान 1 पुट कर दो, साइन स्क्वायर का अधिकतम मान। अच्छा कोई ये सोचता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा का मान अधिकतम 1 होता है तो साइन स्क्वायर 2 थीटा का तो 2 होना चाहिए, होना चाहिए क्या? जिनको जिनके हो रहा है ना वो ध्यान रखें, ऐसी गलतियां नहीं करें। क्लियर? तो जब साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल में 0 से 1 का मान आ जाएगा आपके 1 और साइन स्क्वायर 2 थीटा इक्वल में अगर आप 1 पुट करते हो इससे इसका रिजल्ट आ जाएगा a बराबर आ जाएगा आपके 3/4, तो बताओ 3/4 लेस देन इक्वल a लेस देन इक्वल 1 नहीं हो गया क्या? तो कौन सा ऑप्शन बैठ जाएगा अपने, बी ऑप्शन बैठ जाएगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हो गए 16 तक के, अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो एक्स कोस थीटा वाई कोस थीटा प्लस पाई बाई 2π/3 और जेड कोस थीटा प्लस 4π/3 ये रिजल्ट दे रखा है, ये एक इक्वेशन दे रखी है और 1/x 1/y और 1/z का रिजल्ट निकालना है। जब भी आप लोगों को इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रखा हो कि दो अलग अलग जगह बराबर 3 बराबर में कोई फलन दे रखा हो तो आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ही उसको किसी बराबर एक कॉन्स्टेंट के मान लेना चाहिए। किसके बराबर मानोगे, एक कॉन्स्टेंट के बराबर, क्योंकि ये भी बराबर है ये भी बराबर, एटलीस्ट तीनों किसी न किसी संख्या के तो बराबर है ही ना। तो मैं यहां पर क्या मान लूंगा, लेट एक्स कोस थीटा बराबर वाई कोस
थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री, और जेड कोस थीटा प्लस फोर पाई बाई थ्री, इसको हम किसके बराबर मान लेंगे, के के बराबर मान लेंगे। अब हमें क्या करना होगा, देखो फर्स्ट को मैं फोर्थ के साथ लूंगा और कोस थीटा का मान निकालेंगे, इन दोनों को लेंगे इस कोस का निकालेंगे, इन दोनों को लेंगे और कोस का निकालेंगे, क्या आ जाएगा, देखो कोस थीटा इक्वल में आ जाएगा आपके के अपॉन एक्स, अगेन कोस थीटा प्लस टू पाई बाई थ्री ये आ जाएगा आपके के अपॉन वाई, और कोस थीटा प्लस फोर पाई बाई थ्री ये आ जाएगा आपके के अपॉन में जेड। तो मुझे के अपॉन एक्स वन अपॉन एक्स वन अपॉन वाई वन अपॉन जेड चाहिए ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, के अपॉन एक्स प्लस के अपॉन वाई प्लस के अपॉन जेड ये रिजल्ट निकाल लेता हूँ। ये किसके बराबर आएगा आपके, कोस थीटा प्लस पाई टू पाई बाई थ्री और प्लस में कोस थीटा प्लस फोर पाई बाई थ्री, ये रिजल्ट आ गया, क्लियर। अब यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, या तो इन दोनों में सी डी सूत्र लगा दो या फिर ए बी फॉर्मूला लगा दो, एक्स वाई जो फॉर्मूला होता ना वो थोड़ा आसान रहता है। तो ये तो है कोस थीटा, और इसका अगर फॉर्मूला लगाओगे तो कोस थीटा कोस टू पाई बाई थ्री और माइनस साइन थीटा साइन टू पाई बाई थ्री, ऐसे ही देखो ये कोस थीटा कोस फोर पाई बाई थ्री और माइनस का साइन थीटा साइन फोर पाई बाई थ्री, क्लियर। अब यहाँ पर देखो साइन टू पाई बाई थ्री का रिजल्ट, कोस टू पाई बाई थ्री का रिजल्ट क्या होगा, माइनस वन बाई टू, तो ये वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, या फिर आप यही देख लो ना, अगर कोई कटने की संभावना हो तो काट देते हैं, तो देखो कोई अगर कट जाए तो काट देते हैं, अदरवाइज यहाँ पर जुट जाएगा। देखो ये माइनस वन बाई टू होगा, कोस टू पाई बाई थ्री का रिजल्ट क्या होगा, माइनस वन बाई टू, कोस फोर पाई बाई थ्री भी क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई थ्री माइनस कोस पाई बाई थ्री यानी माइनस वन बाई टू, तो रिजल्ट कोस थीटा और प्लस में कोस थीटा इन टू माइनस वन बाई टू और माइनस का साइन थीटा, इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके प्लस का अंडर रूट तीन बटे वा दो, और ये अगेन कोस थीटा माइनस वन बाई टू, और ये वाला जो रिजल्ट है माइनस का साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा अपने 240 पाई प्लस पाई बाई थ्री माइनस साइन 60, तो इसका रिजल्ट आएगा माइनस का रूट थ्री बाई टू। तो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये दोनों मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर इसको काट देंगे और ये भी आपस में कट गए। तो फिर यहाँ पर एक बात बताओ, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड का जो रिजल्ट था वो क्या आ जाएगा अपने, जीरो आ जाएगा, जो अपने सी ऑप्शन में, क्लियर। इस तरीके से रिजल्ट हमें फाइंड करना होता है। मैं कई बार देखता हूँ आपका जो ग्रुप मैंने बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप क्वेश्चन तो भेजते हो लेकिन उसमें ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो वास्तव में नहीं करने होते, इग्नोर करने वाले क्वेश्चन को पहचानना सीखो। देखो लगभग क्वेश्चन तो करने ही है, लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ जो लेंथी टाइप के क्वेश्चन है उनको छोड़ दो, इग्नोर कर दो, हम लेट कर रहे हैं, सभी थोड़ी लेट कर रहे हैं, ये भी तो देखो, क्लियर। साइन एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स, और ये स्टेटमेंट दे रखा, और जनरल सॉल्यूशन निकालना है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, क्या करेंगे देखो। अच्छा देखो इन दोनों में सी डी सूत्र लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि यह थ्री आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ ना, साइन थ्री एक्स इसके साथ में तो ले लेता हूँ साइन एक्स को, और माइनस का थ्री साइन टू एक्स, ऐसे ही कोस थ्री एक्स प्लस कोस एक्स और माइनस में थ्री कोस टू एक्स, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओगे, टू साइन दिस प्लस दिस अपॉन टू और कोस दिस माइनस दिस अपॉन टू, माइनस का थ्री साइन टू एक्स, ऐसे ही राइट साइड में इसमें अगर फॉर्मूला लगाओगे कोस सी प्लस कोस डी का, तो टू कोस दिस प्लस दिस अपॉन टू एंड कोस अगेन सी माइनस डी बाई टू और माइनस का थ्री कोस टू, कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला आप याद करें, मैंने लिखवा दिए। देखो इधर से क्या कॉमन आ रहा है, साइन टू एक्स कॉमन आ रहा है, साइन टू एक्स मैंने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, टू कोस एक्स माइनस में वन, टू कोस एक्स माइनस वन, इधर से क्या कॉमन आ रहा है, कोस टू एक्स कॉमन आ रहा है, टू थ्री तो लिखे ही नहीं मैं, माइनस का थ्री भी तो आएगा, यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ मैं कोस टू एक्स, तो क्या बचेगा, टू कोस एक्स माइनस में थ्री, टू कोस एक्स माइनस में थ्री, अच्छा सबको इधर लेके आ जाओ, तो टू कोस एक्स माइनस थ्री फिर से कॉमन आ जाए, ध्यान रहे गलती से भी काट मत देना, काटना नहीं होता है, जिसका रिजल्ट निकाल रहे हो उसको कैसे काट सकते हो, इसको पहले इधर लाए। अब दो गुणनखंड हो गए, दोनों गुणनखंड को सोल्व करना है, तो या तो ये जीरो के बराबर होगा या फिर ये जीरो के बराबर होगा, तो टू कोस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो से कोस एक्स का रिजल्ट आता है तीन बटे वा दो,
जो नॉट पॉसिबल जाएगा, क्लियर। देन इसके बाद में साइन 2x माइनस कोस 2x और बराबर में जीरो, तो इसको सोल्व करोगे ना तो टेन 2x बराबर में क्या आ जाएगा आपके, 1 आ जाएगा। टेन 2x का रिजल्ट क्या आ गया आपने, 1 के बराबर आ गया। तो फिर यहां पर आप लोग देखो ना, टेन एक्स बराबर में इसको ऐसे लिख सकता हूं, टेन 2x बराबर में टेन पाई बाई 4। तो आपके फॉर्मूला जो होता ना, अगर टेन एक्स बराबर टेन वाई हो तो x बराबर एन पाई प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 2x और एन पाई प्लस में y। तो फाइनली x बराबर क्या आ जाएगा, एन पाई बाई 2 और प्लस में पाई बाई 8 आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्लियर। 21 वाला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, साइन थीटा बराबर 1/2 दे रखा और कोस थीटा बराबर कोस फाई इक्वल में दे रखा -1/3, और ये कह रहा है कि थीटा प्लस फाई जो है कहां पर विद्यमान होना चाहिए, देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, साइन थीटा बराबर 1/2 कब होता है, तो थीटा का जब रिजल्ट क्या हो अपने 30 डिग्री हो, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, कोस थीटा कोस फाई का रिजल्ट 1/3 कब होता है, तो कोस थीटा का तो रिजल्ट हमने तो यही याद किया है कि 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 1, 0 सॉरी, तो ये तो उनमें से ही नहीं, उस टेबल में तो है ही नहीं, तो रिजल्ट नहीं है भाई उसमें। क्या आ रहा है देखो, 0 π/6 π/4 π/3 और π/2, 0 पर रिजल्ट क्या आ जाएगा, कोस का रिजल्ट क्या होगा यहाँ पर 1 और √3/2 1/√2 1/2 और 0, ये रिजल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर एक बात बताओ, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ ना, तो 0 इसका रिजल्ट आएगा 0.85, इसका रिजल्ट आएगा 0.7 0.5 और 0, ये रिजल्ट है। अब ये कोस थीटा का कोस फाई का रिजल्ट कितना दे रखा है, 1/3 दे रखा है। अब कोस फाई का जो रिजल्ट आपको 1/3 दे रखा है, कोस फाई का रिजल्ट 1/3, बताओ 1/3 का रिजल्ट कितना होगा, 1/3 होता है 0.33, तो इसमें देखो 0.3 यहाँ पर ही तो होना चाहिए, 0.3 यही तो होना चाहिए कहीं, क्लियर। तो स्टूडेंट हमें परफेक्ट रिजल्ट तो नहीं मिला, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि फाई का जो रिजल्ट है ना वो कितना होगा अपने पाई बाई 3 से तो बड़ा होगा और पाई बाई 2 से छोटा होगा, क्लियर। ये जो उल्टा ब्रैकेट लिखा हुआ ना, इसको हम ओपन भी कह सकते हैं, ओपन इंटरवल। एक तो होता है सीधा जो होता है उसको क्लोज इंटरवल कहते हैं, इसे उल्टा लिख दिया जाता है ना उसको क्या कहते हैं, ओपन इंटरवल, यानी ये छोटा वाला ब्रैकेट ये। अच्छा थीटा का रिजल्ट ये है और फाई का रिजल्ट ये है, तो दोनों को ऐड कर दो, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 थीटा प्लस, और इधर आ जाएगा पाई बाई 2 प्लस में पाई बाई 6, तो कितना हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये थीटा प्लस फाई, और ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके 6 अगर एलसीएम लेते हो 3 पाई प्लस में पाई, तो 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो पाई बाई 2 से 2 पाई बाई 3, ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्लियर। तो स्टूडेंट ये थी ट्रिग्नोमेट्री की एक वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, हालांकि इसके कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़वाए हैं, उनमें से मैं बता देता हूँ अब आपको, नहीं तो फिर परेशान होंगे कौन कौन से क्वेश्चन छोड़ने, मैं एक से ही देखता हूँ। देखें उन्नीसवां क्वेश्चन नहीं करना है, बाईसवां भी छोड़ देना, तेईसवां देख लेना, चौबीसवां छोड़ देना, छब्बीसवां छोड़ देना, सत्ताईसवां छोड़ देना, उनतीसवां छोड़ देना और बाकी सब छोड़ देना, 35 तक के क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को आइडिया भी बता दिया, फिर भी अगर मान लो आपका मन करता है कि कर लेते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और अच्छी बात है, है ना। देखो करना अच्छी बात है, मैं बस यही है कि कुछ गाइड कर देता हूँ, बाकी अपनी मर्जी भी चला सकते हैं। तो स्टूडेंट फिलहाल आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में अनसोल्व्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।